नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन में शादी करना पड़ गया भारी। आपको बता दें कि मुंबई से सटे उल्हास नगर में दूल्हा दुल्हन को मंडप से उठाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लॉकडाउन में शादी करना पड़ गया भारी। लॉकडाउन में शादी कर नियमों का उल्लंघन किया गया है। सुनिए एसीपी विनायक नरले ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। दूल्हा दुल्हन और बाराती भी आए थे, जैसी खबर मिली वहाँ पे हिलैंड पुलिस की टीम तुरंत पहुँच गई। उन्हें हमने हिरासत में ले लिया है और उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता कलम 188 की तरह हम ये कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। और जो भी लोग यहाँ पे शादी के लिए आए थे उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए महानगर पालिका को सूचित किया गया। हम लोगों से ही अपील करते हैं कि जब तक ये बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में ना आ जाए तब तक, और लॉकडाउन जब तक है तब तक आप घर के बाहर बिना वजह ना आए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। ये कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए आप घर पे रहे, स्वस्थ रहे। तो इसी के साथ आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 14,000 के आंकड़े पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 991 नए मामले सामने आए हैं और 43 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की कुल संख्या 14,378 हो गई है, जिसमें 11,906 सक्रिय है, 1952 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 480 लोगों की मौत हो चुकी है। आज गुजरात में 176, राजस्थान में 41, आंध्र प्रदेश में 31, कर्नाटक में 12, महाराष्ट्र के नागपुर में 4 और मेघालय में 2 नए मामले सामने आए हैं। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।